हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी के ओ यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए, गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो,
महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग, ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है, आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं, इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राह जनी करने वाले जेल में हैं और राह जनी नहीं, गांव गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में, चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है, हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से
उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निर्माण के दौरान भी इतने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखों नए रोजगार के निर्माण का माध्यम बनेगा। साथियों, ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है,
जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां है उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, आंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी, अब मुझे बताएं इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं? इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरों शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं? यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। और भाइयों और बहनों, आप भी ये जानते हैं कि जहां अच्छी सड़क पहुंचती है, अच्छे हाईवे पहुंचते हैं, वहां विकास की गति बढ़ जाती है, रोजगार निर्माण और तेजी से होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है। यूपी के कोने कोने को जोड़ा जाना जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं,
वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे के किनारे जो शहर बसे हैं, उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। फल, सब्जी, अनाज, पशुपालन और खेती से जुड़े दूसरे उत्पाद या फिर फार्मा, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, हैंडलूम, मेटल, फर्नीचर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। साथियों, इन उद्योगों के लिए जरूरी मैन पावर तैयार करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। इन शहरों में आईटीआई, दूसरे एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। यानी खेत हो या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक विकल्प आने वाले समय में यहां बनने वाले हैं। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी यहां रोजगार के नए अवसर लाने वाला है। मुझे विश्वास है यूपी में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ये काम आने वाले समय में यहां की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। भाई और बहनों, एक व्यक्ति घर भी बनाता है तो पहले रास्तों की चिंता करता है, मिट्टी की जांच करता है, दूसरे पहलुओं पर विचार करता है। लेकिन यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग
कभी नहीं भुला सकते। आज यूपी में डबल इंजन की सरकार यूपी के सामान्य जन को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। यहां जो कारखाने लगे हैं, जो मिले हैं, उनको बेहतर तरीके से चलाने के साथ साथ नए निवेश, नए कारखानों के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अहम यह भी है कि यूपी में आज सिर्फ 5 साल की योजना नहीं बन रही, बल्कि इस दशक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैभवशाली उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश को पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ने के पीछे यही सोच है। माल गाड़ियों के लिए बने इन विशेष रास्तों से यूपी के किसानों की उपज और फैक्ट्रियों में बना सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंच पाएगा। इसका लाभ भी हमारे किसानों, हमारे व्यापारी, हमारे कारोबारी, ऐसे हर छोटे मोटे साथियों को होने वाला है। भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में मैं यूपी के लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन काम करने पर भी प्रशंसा करना चाहता हूं। यूपी ने 14 करोड़ कोरोना टीके लगाकर अपने राज्य को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अग्रणी भूमिका में खड़ा किया है। दुनिया के अनेक देशों की तो इतनी कुल आबादी तक नहीं है। साथियों, मैं यूपी के लोगों की इस बात के लिए भी सराहना करूंगा कि उसने भारत में बनी वैक्सीन के खिलाफ किसी भी राजनीतिक अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। यहां के लोगों के स्वास्थ्य से, उनके जीवन से खिलवाड़ की इस साजिश को यूपी के लोगों ने परास्त कर दिया है। और मैं ये भी कहूंगा, यूपी की जनता इन्हें इसी तरह आगे भी परास्त करती रहेगी। भाइयों और बहनों, यूपी के चौतरफा विकास के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। कनेक्टिविटी के साथ ही यूपी में बुनियादी सुविधाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को हुआ है, नारी शक्ति को हुआ है। गरीब बहनों को जब उनका अपना पक्का घर मिल रहा है, उनके नाम से मिल रहा है, तो उनको पहचान के साथ साथ गर्मी, बरसात, सर्दी ऐसी अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिल रही है। बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में भी सबसे अधिक परेशानी माताओं बहनों को होती थी। सौभाग्य और उज्ज्वला से मिली मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन से परेशानी भी दूर हो गई है। टॉयलेट के अभाव में घर और स्कूल दोनों जगह सबसे अधिक परेशानी हमारी बहनों, हमारी बेटियों को होती थी। अब इज्जत घर बनने से घर भी सुख है और बेटियों को भी अब स्कूल में बिना किसी हिचक के पढ़ाई का रास्ता मिला है। पीने के पानी की परेशानी में तो ना जाने माताओं बहनों को कितनी पीढ़ियां गुजर गई। आज जाकर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है, पाइप से पानी पहुंच रहा है। सिर्फ 2 साल में ही यूपी सरकार ने
करीब करीब 30 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा दिया है और इस वर्ष लाखों बहनों को अपने घर पर ही शुद्ध पेयजल देने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में भी अगर सबसे अधिक परेशानी किसी को होती थी तो वो भी हमारी माताओं बहनों को ही होती थी। बच्चे से लेकर पूरे परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, खर्च की चिंता ऐसी होती थी को अपना इलाज कराने तक से बचती थी। लेकिन आयुष्मान भारत योजना, नए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों जैसी सुविधाओं से हमारी बहन बेटियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। साथियों, डबल इंजन की सरकार के जब ऐसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का, मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं, जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे। भाइयों बहनों, इनके शोर से दूर, सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना, यही हमारा कर्म है, यही हमारी कर्म गंगा है। और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुभलाम का वातावरण बनाते रहेंगे। मुझे विश्वास है आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े जन सैलाब में बस एक ही नाम गूंज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।